ओके थैंक यू। तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है कि मोदी केयर आप सभी लोगों ने ज्वाइन किया है और मोदी केयर से हम अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा कर सकते हैं, हमें क्या क्या मोदी केयर देता है, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए मैं एक स्लाइड शेयर करने जा रही हूँ, एक मिनट दीजिए मुझे। स्लाइड विजिबल है? स्लाइड विजिबल है आप लोगों को प्रॉपर? ओके ओके थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये हमारे जो स्लाइड कहते हैं सपने पूरे करने के लिए मोदी केयर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों ने मोदी केयर ज्वाइन किया है और अगर कोई न्यू ज्वाइनी है तो उनका भी इस मोदी केयर फैमिली में स्वागत है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब देखिए एक आम आदमी की क्या क्या जरूरतें होती हैं, इंसान काम क्यों करता है, अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो हमारी जरूरतें क्या क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की शिक्षा, मान सम्मान, गाड़ी का सपना, विदेश घूमने का सपना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और बहुत सारा पैसा, और साथ ही साथ दूसरों के लिए हम चैरिटी कर सके। ये क्या होते हैं, ये सब हमारे सपने होते हैं। तो हम लोग काम किस लिए करते हैं, इन सब सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इनकम वर्सेज ड्रीम, हमारी इनकम क्या है और हमारे सपने क्या है, यानी हम उन सपनों को पूरा करने के लिए कैसे इनकम कर रहे हैं। वर्तमान आय के स्रोत सपनों को पूरा करने के लिए काफी है। आप लोग सभी लोग खुद जानते हैं कि अगर हमारे हस्बैंड जॉब कर रहे हैं या फैमिली बिजनेस भी है तो क्या उस इनकम से हमारे ड्रीम्स पूरे हो पा रहे हैं, या सिर्फ वही जो जरूरत है में रोटी कपड़ा चल रहा है। अब खुद से ये क्वेश्चन पूछिए कि क्या हो रहा है, हमारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं क्या। अगर नहीं तो सपने पूरे करने के लिए आप लोगों का मोदी केयर में स्वागत है। अब मोदी केयर क्या है, मोदी केयर क्या करता है, घर का रोजमर्रा का सामान जो आप बाजार से लेकर आते हैं वो सामान मोदी केयर से खरीदने से मोदी केयर की शुरुआत हो जाती है। अब आप सभी लोगों ने मोदी केयर ज्वाइन किया है, कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, हो सकता है कुछ ने नहीं स्टार्ट किया हो, या आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्टार्ट करने से पहले सोच रहे होंगे कि मोदी केयर की आपकी शुरुआत कैसे करें। अब उन्होंने ज्वाइनिंग तो लगा दी, आधार कार्ड पैन कार्ड आपको भेज दिया, उनको शॉर्ट टर्म दिखता है कि एकदम से पैसा आएगा, लेकिन पैसा एकदम से नहीं आता है। उसके लिए आपको शुरुआत करनी जरूरी है, और शुरुआत कैसे होगी, सबसे पहले आपको आप अपने घर के लिए प्रोडक्ट यूज करके देखने होते हैं। अब वो प्रोडक्ट्स क्या क्या है हमारे पास, 12 कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स हैं। वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर के हैं, कॉस्मेटिक के हैं, कलर कॉस्मेटिक है, एग्रीकल्चर है, लॉन्ड्री केयर है, होम केयर है, ऑटो केयर है, फूड एंड बेवरेजेस, वॉचेस हैं, पर्सनल केयर है, ज्वेलरीज हैं, एंड टेक्निकल एक माइटी गार्ड भी आता है। तो ये इतने 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 12 कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया है अलग अलग। तो और डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं। ये नहीं कि सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स है जो आपने एक महीने ले लिया तो नेक्स्ट मंथ आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 6 महीने तक जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ वो सामान मिलता है जो आप इस महीने लेंगे तो वो अगले महीने भी आपको चाहिए ही होगा, क्योंकि कोई एक ही बार 10-15 एक ही प्रोडक्ट की 10-15 क्वांटिटी तो इकट्ठा नहीं करता। वो बस इतना ही सोचते हैं, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, यही सोचते हैं कि एक बार इस महीने का ले आते हैं फिर अगले महीने दोबारा ले आएंगे। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं मोदी केयर में जो प्रोडक्ट्स हैं ये रोटेट होते हैं, अभी यूज हुए फिर नेक्स्ट मंथ आपको फिर यूज होंगे, नेक्स्ट मंथ फिर यूज होंगे, तो ये इनका रोटेशन चलता रहता है, ठीक है। तो इसके बाद है मोदी के स्टोर, ये मोदी के प्रोडक्ट जो है आप मोदी के स्टोर से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं, और सबसे बड़ी बात इसके फायदे क्या क्या है। अब ये वो फायदे हैं जो मैं आप लोगों को बता रही, जो आप लोगों को न्यू प्रोस्पेक्ट से जरूर शेयर करने होते हैं, क्योंकि कोई भी बंदा आपको तभी सुनता है जब उसको उसमें अपना बेनिफिट नजर आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते हैं, हर प्रोडक्ट की गारंटी मिलती है, हमारे समीर मोदी सर के सिग्नेचर होते हैं हर प्रोडक्ट पे, पर्सनली गारंटी देते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं विद इन 30 डेज, 25% यूज करने के बाद भी। अब आप अपने न्यू प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि क्या उनको ये गारंटी मार्केट से मिलती है, ऑब्वियसली नहीं मिलती, बड़े से बड़े ब्रांड भी ये गारंटी नहीं देता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट हमें क्या बेनिफिट मिलता है, मोदी केयर स्टोर से हमें डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट कई बार आप लोगों को ये भी सुनने में मिलेगा कि डिस्काउंट हो सकता है, कभी लोग इकट्ठा माल लेते हैं, इकट्ठा सामान लेते हैं, थोक में लेते हैं तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर मोदी केयर में जब आप ज्वाइनिंग लगा देते हैं आपको सिंगल प्रोडक्ट पर भी डिस्काउंट मिलता है, आपको वो प्रोडक्ट MRP पर ना मिलकर DP प्राइस पर मिलता है। तो यानी आपकी हर खरीदारी पर 10-20% का डिस्काउंट आपको यहाँ से मिलता है, तो ये आपका एक बेनिफिट हो गया। उसके बाद मोदी के स्टोर से खरीदारी के क्या और तीसरा फायदा क्या है, लॉयल्टी प्रोग्राम, जो कि मार्केट में आज तक तो मैंने नहीं सुना था, अगर आप लोगों ने सुना हो तो नहीं पता, बट मुझे कभी ये लॉयल्टी प्रोग्राम कहीं से नहीं मिला,
इवन अपने आसपास की किसी शॉप से, मॉल से, चाहे अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, इवन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनसे भी नहीं मिला, लेकिन मोदी केयर हमें दे रहा है। अब ये लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है, अगर आप यहाँ पर 6 महीने तक लगातार 2,500 का सामान लेते हैं तो आपको यहाँ पर 100% लॉयल्टी मिलती है, यानी 7th मंथ में आपको 3,000 का 120% 6 मंथ बाद मिलेगा, 3,000 का सामान यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अब आप बताइए क्या कभी किसी को ये मिला है? क्या कभी किसी को मिला है? आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछ सकते हैं और उनको ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग समझाना है आपको, ताकि उनको पता लगे कि उन्हें 6 महीने में ही, सिर्फ 6 महीने में क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं मोदी केयर से अगर वो अपनी शॉप को चेंज करते हैं तो। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं मोदी केयर स्टोर से खरीदारी करने के नेक्स्ट बेनिफिट क्या है। हर महीने की खरीदारी पर आपको 10% वैल्यू का फ्री गिफ्ट मिलता है, यानी आपने अगर यहाँ से 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 का जितने का भी आप सामान लेते हैं, जो ऑलरेडी आप मार्केट से ले ही रहे थे, तो अगर यहाँ से लेते हैं तो उस पर उसकी 10% वैल्यू का सामान आपको 1 रुपए में मिल जाता है। 1,000 का सामान लेते हैं तो 100 रुपए का मिल जाएगा, 2,000 का लेंगे 200 का मिल जाएगा, 3,000 का लेंगे 300 का, और 5,000 का लेंगे तो 500 रुपए का सामान बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, सिर्फ 1 रुपए में। 500 रुपए का सामान सिर्फ 1 रुपए में आपको यहाँ पर मिल जाता है। और ये ऑफर ऐसा नहीं है कि जिस महीने आपने ज्वाइन किया सिर्फ उस महीने मिलेगा, ये ऑफर आपको हमेशा मिलेगा। जब आपने मोदी केयर में अपनी आईडी लगा दी तब तक ये, तब आपको ये ऑफर अपनी आईडी पर हमेशा मिलेगा, जब भी आप मोदी केयर से शॉपिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एक्युमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस, हमारा एक ये भी बेनिफिट है, इसको हम कैशबैक कहते हैं। एपीबी नॉर्मली लोगों को नहीं समझ आता तो इसलिए हम उन्हें बताते हैं, ये आपका कैशबैक होता है। अब जिस तरह आप सभी को पता होगा, पीछे हमारे मतलब गैस पे सब्सिडी आती थी जो हमारे अकाउंट में आती थी, पहले क्या हुआ, कई लोग कहते हैं ना प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो क्या किया गवर्नमेंट ने, पहले उसके रेट बढ़ाए, सिलेंडर के रेट बढ़ाए, और फिर उसी सब्सिडी को आपके अकाउंट में देना शुरू किया। तो उस सब्सिडी से हम बहुत खुश होते थे, अरे नहीं यार ये तो सब्सिडी मिल गई हमें, बहुत बेनिफिट हो गया। अब वही चीज जब मोदी केयर आपको दे रहा है, आपके सामान खरीदने पर आपको कैशबैक देता है, तो यहाँ लोगों के मन में सवाल उठते हैं, ये तो हमारा पैसा ही हमें दे रहा है, गवर्नमेंट भी तो आपको आपका ही पैसा दे रही थी, वो कौन सा अपनी जेब से दे रही थी। तो यहाँ मोदी केयर आपको ये पैसा तो दे ही रहा है, उसके साथ आप जिन लोगों को इस बिजनेस में लेके आते हो उनसे भी आपको पैसा कमाने का मौका मिलता है। तो आपको ये समझाना पड़ेगा लोगों को कि मोदी केयर से अगर वो सामान लेते हैं तो उस पर कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, और उन पॉइंट्स को, और मोदी केयर में जो सामान है रोजमर्रा का सामान है उसी को खरीदने से उनके खाते में पैसा आता है। सिलेंडर आप महीने में एक बार लेते हैं और एक ही बार पैसा आता है, और वो सिर्फ आप लेते हैं तो आता है, ऐसा नहीं है कि आपने किसी को रिकमेंड कर दिया और उसने सिलेंडर लिया तो भी पैसा आएगा, नहीं है ना ऐसा, लेकिन मोदी केयर में ऐसा है। मोदी केयर में आपकी परचेजिंग का पैसा आपको मिलेगा जो बिजनेस वॉल्यूम बनता है, और आप जिस पर्सन को ऐड करवाते हो, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस करवाते हो, उससे भी आपको कमीशन मिलता है। अब उसके लिए क्या करना होता है, अपने लेवल्स हमें बढ़ाने होते हैं, ठीक है। पहले बता दूं आपको, जब मोदी केयर बिजनेस में, मोदी केयर से आप सामान लेते हो तो हर प्रोडक्ट पे कंपनी ने कुछ बिजनेस वॉल्यूम डिसाइड किए हुए, ठीक है, उस बीवी पॉइंट कहते हैं हम उसे, और उस पॉइंट पर आपको 50% अप्रोक्सीमेट, जैसे कि 1,000 का लिया तो 500 रुपये, 500 आपका बीवी हो गया, और उस 500 बीवी पे आपका स्टार्टिंग लेवल जो होता है 7% होता है, और उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आपके अकाउंट में कैशबैक दे दिया जाता है। अब मैं नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली की बात करूँ तो हमारे घर का डेली रोजमर्रा का सामान हर महीने 3 से 5 हज़ार का आता ही आता है। तो अगर नॉर्मल कैलकुलेशन माने कि हम 5,000 का सामान ले रहे हैं यहाँ से, मोदी केयर से ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारा बिजनेस वॉल्यूम जो भी जितना भी बना 1,500 बना, और 2,700 के हिसाब से अगर 7% हम लोग निकालते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 350 आसपास हमारा कैशबैक हमारे अकाउंट में आता है। अब इसमें देखिए करंट बीवी और पीवी रेशियो भी दिखाई हुई है, जो कि है कि अगर 27 बीवी का 1 पीवी बनता है, कई लोगों को पॉइंट वैल्यू, बिजनेस वॉल्यूम और डीपी प्राइस ये चीजें क्लियर नहीं है, तो डीपी का मतलब होता है डिस्काउंटेड प्राइस, बीवी का मतलब होता है बिजनेस वॉल्यूम, पीवी का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू, और पॉइंट वैल्यू आपके टाइटल्स को देखने में काम आता है, पॉइंट और पैसा आपके बिजनेस वॉल्यूम पर आता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी, कई बार कंपनी एक्स्ट्रा पीवी ऑफर निकालती है, एक्स्ट्रा बीवी ऑफर नहीं निकालती, क्यों? क्योंकि पैसा बीवी पर आता है, पीवी पर नहीं, लेकिन कंपनी ये कोशिश करती है अगर आपके टाइटल्स जंप करेंगे तो आपके टाइटल्स के अकॉर्डिंग आपका कैशबैक भी बढ़ेगा, उसकी परसेंटेज भी बढ़ेगी, तो टाइटल्स पे भी काम करना जरूरी है। अब ये जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं कि मान लीजिए एक महीने में आपने 5,000 बीवी कर लिए, 5,000 बीवी किए
तो बीवी पर आपको 7% 350 हो गया। अगर सेकंड मंथ में आप 5,000 बीवी कर लेते हैं, यानी कि करीब करीब 10,000 की शॉपिंग आपका और आपकी पूरी टीम का मिला के, चाहे वो आप अकेले कर सकते हैं चाहे और लोगों के साथ कर सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, जो 5,000 पिछले महीने किए थे और इस महीने किए, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये दोनों क्या होगा अलग अलग, नहीं कि उस महीने का अलग हो गया इस महीने का अलग, दोनों जुड़ के एक साथ 10,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। और उसके हिसाब से, ये सिर्फ आपकी परचेजिंग बता रही हूँ, टीम की नहीं है इसमें, उसके हिसाब से आपका कैशबैक का लेवल, कैशबैक आता है 500 रुपये। सोचिए इतनी जल्दी जंप होता है 350 से सीधे 500, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो बिजनेस वॉल्यूम 10,000 हुआ ना, उसके हिसाब से आप 10% लेवल पे पहुंच गए, और 10% लेवल पे पहुंचते ही आपका जो कैशबैक बनेगा वो 10% के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में आएगा। उसी तरह ये जुड़ते हुए क्रम में आगे बढ़ता जाता है, और जैसे ही जुड़ते हुए क्रम में टोटल 1,28,027 बीवी हो जाता है, और जैसे ही 1,28,29,28 आप करते हैं, तो आप यहाँ पर डायरेक्टर पोस्ट पे आ जाते हैं, और वहां से आपको एक और इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। आपका मतलब मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन किया है, मोदी केयर बिजनेस कर रहे हैं, तो फोकस कीजिए फर्स्ट डायरेक्टर लेवल अचीव करने की। अब इसको मैं आगे बताना चाहूंगी कि ये साल भर वाली लॉयल्टी तो खैर अभी खत्म हो गई है, फिर भी मैं आपको ये थोड़ा सा बता देती हूँ क्या है इसमें। ये छह महीने, जैसे अभी हमारी लॉयल्टी प्रोग्राम चेंज हो चुका है, और लॉयल्टी प्रोग्राम में आपके पास 2 महीने, 4 महीने और 6 महीने की लॉयल्टी है। यानी कि अगर आप 2 महीने 3,000-3,000 का सामान लेते हैं, तो उसका एवरेज निकाला जाएगा, और मैक्सिमम उसकी लिमिट है कि तीसरे महीने में आप 1,000 रुपये का सामान बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, ठीक है। 20% आपको लॉयल्टी उसकी मिल जाती है। अगर वही लॉयल्टी आप 4 महीने कंटिन्यू करते हैं, 3,000-3,000 का सामान 4 महीने लेते हैं, देखिए सामान तो कहीं से भी लेना ही है, लेकिन अगर मोदी केयर से लेते हैं तो क्या फायदे हैं, कैशबैक आएगा, रीपर्चेज ऑफर आएगा, और साथ ही साथ डिस्काउंट पे मिलेगा, और ये लॉयल्टी मिलेगी। तो इसमें लॉयल्टी में 4 महीने बाद भी आप यहाँ पर फ्री सामान ले सकते हैं, और उसके बाद अगर 6 महीने बाद लेते हैं 3,000 6 महीने लगातार करते हैं, तो 7वें महीने आपको 3,600 का सामान यहाँ से फ्री मिलेगा। ये पुरानी स्लाइड है, इसलिए मैं नई कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है मोदी केयर फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम होता है। अब जैसे कि आपको मैंने पीछे पॉइंट्स बताए कि 1 से 300 पॉइंट कर लेते हैं तो हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि अगर मैंने आज कंपनी को ज्वाइन किया और मैं चाहती हूँ कंपनी में फास्ट ग्रो करना, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, कंपनी ने उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी निकाली है कि अगर आप सिंगल कैलेंडर मंथ में 240 पीवी कर लेते हो, पॉइंट वैल्यू अपनी आईडी पर करते हो, तो आप फास्ट रिटर्न अचीव कर लोगे। अब ये चाहे आप अपनी आईडी पे करो, चाहे अपनी पूरी टीम के साथ करो, पर्सनल आईडी पे नहीं है, मतलब जीपीवी है, ग्रुप पीवी है। तो जैसे ही आपका ग्रुप पीवी 300 हो जाता है, या सॉरी 240 हो जाता है, तो आप फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम में शामिल हो जाते हो। जैसा कि आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं, मान लीजिए मैंने इस महीने ज्वाइन किया, मैंने अपना 100 पीवी किया, यानी मैंने अपना करीब करीब 5,000 का ऑर्डर लगाया, फिर मैंने दो लोगों से बात की, दो लोगों ने और ज्वाइन किया, उन्होंने भी अपना 100 पीवी किया, और इन्होंने भी अपना 100 पीवी किया, तो यहाँ पर टोटल कितने पॉइंट हो गए, तीनों के मिला के 300 पॉइंट हो गए। जब ये तीनों पॉइंट 300 हो गए, तो मेरा लेवल क्या हो गया, मेरा लेवल हो गया 10%, मैं पहुंच गई 10% पे। और देखिए इसमें बिजनेस वॉल्यूम भी दिया हुआ है, मेरा पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम था 2700, तो उस मेरा लेवल है 10%, तो 2700 का अगर मैं 10% निकालूं, तो मेरा कैशबैक कितना बना, 270 रुपये, ठीक है। उसके बाद जो मैंने चाचा जी को ज्वाइन करा, उन्होंने भी 100 पीवी किया, उनका बिजनेस वॉल्यूम 2700, अब उस पे क्या होगा, मेरा लेवल हो गया 10%, वो लोग हैं 7% पे, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 3% कमीशन उनसे मुझे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 270 का अगर 3% निकाला जाए तो 81 रुपये बनता है, 81 रुपीज, तो दोनों चाचा जी और मामा जी दोनों से मुझे 81 रुपीज अलग अलग मिलेंगे, और तो टोटल इस महीने का कितना हो गया, 432 आपको टोटल अमाउंट मिलेगा मोदी केयर से। तो अब बताइए, ये तो मैंने बस आपको बताया जो आपका एपीबी होगा, ठीक है, एपीबी आपका 432 हो गया, उसी के साथ आप फास्ट स्टार्ट करते हैं तो आपको 1,000 रुपये के प्रोडक्ट फ्री में मिलेंगे, ये पुरानी स्लाइड है। इसके साथ रिटेल मार्जिन, जैसा कि मैंने आपको बताया डिस्काउंट पे मिलता है, तो वहां पर करीब करीब 1,000 रुपये की सेविंग आपकी वो हो जाती है, और 5,000 का सामान ले रहे तो 500 रुपये के प्रोडक्ट आपको वो फ्री मिल जाते हैं। तो टोटल बेनिफिट अगर जोड़ेंगे ना एक महीने का, सिर्फ एक महीने की बेनिफिट बताती हूँ, जब आप फास्ट टाइम करते हैं तो आपको वो प्रोडक्ट टोटल बेनिफिट 2700 तक के हो जाते हैं। अब बताइए अगर आप 5,000 का सामान ले रहे हैं और 2700 का बेनिफिट ही मिल गया आपको, तो वो प्रोडक्ट कहाँ से महंगे हुए, किसी को महंगे लग रहे हैं यहाँ पर, कई लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं होती कि यही कैसे सोच में पड़े रहते हैं कि प्रोडक्ट महंगे है। ये तो सिर्फ मैंने एक महीने की कैलकुलेशन के हिसाब से बताया था, क्लियर है सबको ये। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब मोदी केयर से बड़ा पैसा कमाने, अमीर बनने के लिए हमें क्या करना होगा, हम लोगों ने बिजनेस ज्वाइन किया किस लिए, पैसा,
पैसा सबको चाहिए, रोकड़ा किसको अच्छा नहीं लगता, सभी को अच्छा लगता है। कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा सभी को चाहिए, क्योंकि 95% जरूरतें पैसा पूरा करता है। मैं ये नहीं कहती कि 100% करता है, बट 95% पैसा काम करता है। तो पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है, तो वो सबकी नीड है। अब उस पैसे को कमाने के लिए आपको क्या करना है, मोदी के से मिलने वाले फायदों के बारे में एक तो खुद जानना है, अपने जानने वालों को बताना है, और उनकी दुकान बदलवाने में उनकी हेल्प करनी है। मोदी केयर से सामान लेने वालों का नेटवर्क बनाना है, ठीक है? ये समझ आ रहा है क्या करना है इसमें हमें मोदी केयर में? पहले प्रोडक्ट यूज करने हैं, प्रोडक्ट को यूज करके शेयर करना है, और एक टीम बनानी है जो टीम मोदी केयर से प्रोडक्ट ले, तब आपका बिजनेस सही मायने में आगे बढ़ेगा, ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं, पैसा कमाने के लिए नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। दुनिया में वही लोग अमीर बनते हैं जो अपना नेटवर्क बनाते हैं। पतंजलि, कौन जानता था पतंजलि को कुछ सालों पहले? ये म्यूट कर लीजिए, किसका माइक अनम्यूट है? ठीक है, पैसा कम, पतंजलि को कोई जानता था? मगर कुछ सालों में उसने क्या किया, ऑल ओवर इंडिया अपनी नेटवर्क बिछा दिया, और आज हर बच्चा बच्चा पतंजलि को जानता है, रिलायंस को जानता है, अमूल दूध, इन्होंने क्या किया, सबने अपना नेटवर्क बनाया। बिग बाजार, इजी डे, मारुति, सभी का नेटवर्क काम कर रहा है। वो अकेला, मारुति का जो ऑनर है वो बैठ के काम नहीं कर रहा अकेले, उसने एक नेटवर्क बिल्ड कर लिया और वो पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, जिससे कि पूरी इनकम हो रही है मारुति की, और आज सभी लोग मारुति को जानते हैं। तो अब यहाँ आपको क्या करना है, आपको अपना नेटवर्क बनाना है। कंपनी ने आपको अपने प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वो कहती है कि आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग खुद करो, अब खुद अपना नेटवर्क बनाओ और अपने सपनों को पूरा करो। सपने पूरे करने में कंपनी हेल्प कर रही है, सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज दे रही है, बस आपको करना है क्या है, लोगों से बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है, प्रोडक्ट को शेयर करना है, अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, दैट्स इट। और हमारे नेटवर्क में कौन कौन है, हमारे नेटवर्क का हिस्सा कौन है? अब आप खुद सोचिए कि हमारे नेटवर्क में कौन कौन है। हमारे रिश्तेदार, भाई बहन, या कोई हम फ्रेंड सर्कल को जानते हैं, तो वो हमारा एक नेटवर्क है, जो जिन लोगों को हम जानते हैं। तो अब क्या करना है, आपको अपने उस नेटवर्क में इस बिजनेस को सर्कुलेट करना है, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बताना है। बताने से पहले आपको ये नहीं सोचना है कि वो करेगा या नहीं करेगी, आपको नहीं सोचना, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बताना है, ठीक है? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मोदी केयर हमको मौका देता है अपना नेटवर्क बनाने का, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई कंपनी आपको मौका नहीं देती। अगर आप वर्किंग हैं, जो लोग वर्किंग होंगे उन्हें पता है कि कंपनी कभी ये नहीं कहती कि आप अपना एक नेटवर्क बनाओ और अपना काम करो, नहीं करती। अगर आपने पार्ट टाइम में कुछ कर सोच भी लिया ना, तो उस पर फाउंडेशन होती है, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है कंपनी की। तो बट यहाँ क्या है, कंपनी आपको मौका दे रही है अपना नेटवर्क बनाने की। अब इसको आगे समझते हैं कि ये बिजनेस को जब, ये तो मैंने आपको जो बताया अभी तक पर्सनल बेनिफिट्स बताया, और आगे जब अपना नेटवर्क बनाते हैं आप, तो ये बिजनेस कैसे ग्रो करता है। अब मान लीजिए इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है, एपीबी के बारे में हम करेंगे, एक्युमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस, इसमें जो हमारा मोदी केयर में है, हमेशा जुड़ते हुए क्रम में हमारा बिजनेस बढ़ता है, कभी भी बिजनेस जीरो नहीं होता। कई लोग आपसे ये पूछेंगे कि मोदी केयर ही क्यों करें, सबसे बड़ी बात कि मोदी केयर का बिजनेस कभी भी जीरो नहीं होता है, हमेशा एक्युमुलेट होता है, तो आपके लेवल्स अचीव करना यहाँ पे बहुत फास्ट होता है, ठीक है? अब इसके बाद आपको बताना है, देखिए 100 PV मैंने किया अपना, ठीक है? अब मैंने टोटल दिया, जो कैलकुलेशन हमने अभी की थी कि हमने 6 लोगों को ज्वाइन कराया, यहाँ देखिए नीचे 6 लोगों को मैंने ज्वाइन कराया, और सभी छह लोगों ने अपने 100 PV किए, यानी अपने घर का करीब करीब 5,000 का सामान उन 6 लोगों ने लिया, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, अब सेल्फ का मेरा 2700 PV हो गया, जिसपे मुझे 10% कैशबैक मिल रहा है, क्योंकि मैं 10% लेवल पे हूँ, ठीक है? तो कितना हो गया, 270 रुपये मेरा हो गया। अब पूरी टीम कितने लोग हैं, 600 इनके हो गए, तो इनको अगर मैं 27 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इनके बीवी कैलकुलेट करेंगे, 600 तो पीवी हुए, बीवी कैलकुलेट करने के लिए आपने 27 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था 27 PV इज इक्वल टू 1 PV। तो यहाँ हमें बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, तो बिजनेस वॉल्यूम हमारा हो गया 16,200। अब इस 16,200 पे तीनों 6 के 6 लोग 7% पे हैं, तो इन सभी लोगों से 3% आपको अलग अलग मिलेगा। तो अगर मैं सभी लोगों का 3-3% निकालूं, तो अप्रोक्सीमेट आपका 486 अमाउंट बनता है, तो ये पूरी टीम से आपको मिलेगा, और आपका पर्सनल 270 रुपये, यानी टोटल आपको 756 का बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है? तो जैसे कि आपका एपीबी बन गया, एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बन गया, 756 बना, आप फास्टर 10 कर रहे हैं, क्योंकि 6 लोगों को एक साथ ज्वाइन करा के आपने किया, तो ऑलरेडी फास्टर 10 आप कवर कर गए, तो वहाँ 1,000 रुपये के प्रोडक्ट फ्री मिल जाएंगे, रिटेल मार्जिन आपको 1,000 रुपये का मिल जाएगा, रीपर्चेज आपको मिलेगा 500 का। और ऐसा नहीं है, जिन लोगों को आपने ज्वाइन कराया ना, तो उनको उनके बेनिफिट मिलेंगे ही,
ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आपको उनका बेनिफिट मिलेगा, जिन लोगों ने अपनी ज्वाइनिंग लगाई है उनको अब उनके पर्सनल आईडी पे अपना बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो उन लोगों को ये भी बताना है कि उनको अपना कैशबैक मिलेगा, रीपर्चेज मिलेगा, डिस्काउंट पे मिलेगा और लॉयल्टी मिलेगी और साथ ही साथ गारंटी वाले प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ये पांच बेनिफिट कोई भी अपनी आईडी लगाता है तो उनको 100% यहाँ से मिलना ही मिलना है। फिर उसके बाद बात करते हैं, अब आप और आपके द्वारा लाए गए लोग मोदी जैसे जब खरीदारी करते हैं तो जुड़ते जुड़ते वो लोग जब पूरे 1,08,027 बीवी कर लेते हैं, यानी करीब करीब 2,10,000 की शॉपिंग। मान लीजिए मैंने 6 लोगों को जोड़ा, उन 6 लोगों ने अपने नीचे 4-4 लोग या 3-3 लोग लगाए और उन्होंने अपने नीचे कुछ लोगों को लगाए, तो ये पूरी टीम जब मिलके 1,08,027 बीवी कर लेती है, यानी करीब करीब 2,10,000 का सामान खरीद लेती है अपने अपने घर के लिए, तो यहाँ पर आप पहुंच जाते हैं डायरेक्टर लेवल पे। और जब डायरेक्टर लेवल पे आप पहुंच जाते हैं तो यहाँ आपको मिलता है डायरेक्टर बोनस। अब कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि डायरेक्टर बोनस कैसे मिलता है, डायरेक्टर बोनस बनता कैसे है। तो यहाँ देखिए, डायरेक्टर बोनस पॉइंट निकालना होता है, आप जितने का बिजनेस करेंगे डायरेक्टर बनने के बाद आपका जितना भी बीवी जाता है टोटल जीबीवी यानी ग्रुप का जो बिजनेस वॉल्यूम होता है उस पर 6% कुछ पॉइंट्स निकाले जाते हैं। तो 6% जो पॉइंट निकाले जाएंगे उस पॉइंट को उस मंथ की टर्नओवर से कुछ अमाउंट जो वो सॉरी रेट डिसाइड होता है, तो उस रेट के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करके, जैसे कि यहाँ 3,000 आपके पॉइंट निकल गए हैं और 3,000 पॉइंट को अगर मैं 1,25 रुपये अभी करंट रेट है 1,25 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी अमाउंट आएगा वो आपका डायरेक्टर बोनस होता है, ठीक है। ये डायरेक्टर बोनस अलग अमाउंट है, आपको जो एपीबी मिल रहा था, कैश और डिस्काउंट मिल रहा था, वो सारे बेनिफिट अलग है। तो यानी कि ये अलग से एक और बेनिफिट ऐड हो जाता है जब आप डायरेक्टर बनते हैं। तो यहाँ पर आप जितना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करेंगे आपका बोनस उतना ही अच्छा आएगा।